यू नो इला, हम सब क्या हैं? हम सभी एक्टर्स हैं। देखा जाए तो यह सब एक ड्रामा है। जीवन को हमें ड्रामा के रूप में देखना है, सृष्टि को एक मंच के रूप में देखना है। और हम सब एक्टर्स क्या करते हैं? अपने घर शांति धाम से इस सृष्टि मंच पर आकर यह शरीर धारण करके हम सब अपना एक्ट कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है कि जीवन एक रंगमंच है और हम सब उसके एक एक पात्र हैं जो अपना पात्र निभा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा इला। और जब हम अपने आप को रोल प्ले की तरह देखते हैं कि हम सिर्फ अपना पात्र, अपना किरदार निभा रहे हैं, तो हमें क्या करना है? इस किरदार में, इस रोल में हमें घुस नहीं जाना है, उसमें एंटैंगल नहीं होना है। एक एक्टर क्या करता है? एक्टर जब तक एक्टिंग चल रही है तब तक वह कोशिश करता है उस किरदार में घुस जाने की, ताकि वह अपने आप को उस किरदार के साथ एसोसिएट कर सके और अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले कर सके। और रोल खत्म होने के बाद फिर से वह अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है और फिर से वह भूल जाता है कि वह उस किरदार के साथ एसोसिएटेड है। तो हमें भी क्या करना है? हम जब यह शरीर धारण करते हैं तो अपने जीवन को ड्रामा समझना है, अपने आप को एक्टर समझना है। और एक्टर कैसा? हीरो एक्टर, एक इम्पॉर्टेंट एक्टर, क्योंकि हीरो वह होता है जिसका बहुत अहम रोल होता है, जिसकी अहम भूमिका होती है। तो किसी भी सिचुएशन को अगर टर्न करना हो तो हीरो क्या करता है? ईजिली उस सिचुएशन को टर्न कर देता है। वह अपने आप को भी खुश रखता है, सुखी रखता है और अपने आसपास वालों की भी भलाई के लिए कार्य करता है। तो हम कौन है? हीरो एक्टर्स हैं, जो हम खुद का भला करें, दूसरों का भला करें और बुराइयों पर विजय प्राप्त करें। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और जैसे ही यह रोल खत्म हो जाता है, माना मैं रोल प्ले कर रही हूँ, एक माँ का रोल प्ले कर सकती हूँ, एक पुत्री का रोल प्ले करती हूँ, घर में बहन का रोल प्ले करती हूँ, ऑफिस में कलीग का रोल प्ले करती हूँ, बॉस का रोल प्ले करती हूँ, सबॉर्डिनेट का रोल प्ले करती हूँ, कितने सारे रोल्स मैं प्ले कर रही हूँ इस जीवन में।